देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आरडी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो ना हम एक्सरसाइज 16.1 में थे, और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा है। एक तो सैंपल स्पेस क्या होता है, और एक इवेंट क्या होती है। सैंपल स्पेस मतलब टोटल, यानी जहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है ना, वहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनता है। या फिर ये कह लो, जहाँ पर लिखा हो ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उससे पहले जो भी लिखा होगा वहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा, और उसके बाद जो लिखा होगा वहाँ से आपकी इवेंट बनेगी। अगर आपने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो वो होता आपका एन ई, यानी ई का फेवर में कितने हैं, अपॉन में कौन, एन एस, यानी टोटल। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 47 करवा था, अब तुम पढ़ो 48। क्वेश्चन नंबर 48 भाई, 48 में लिखा हुआ है, ए बैग कंटेन्स, ए बैग कंटेन्स, कोई बैग उसमें कंटेन है कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 49, कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 49, फ्रॉम 1 to 49, ए कार्ड इज ड्रोन फ्रॉम द बैग, ए कार्ड इज ड्रोन, ए कार्ड इज ड्रोन, ए कार्ड इज ड्रोन फ्रॉम द बैग एट रेंडम, फ्रॉम द बैग एट रेंडम, फ्रॉम द बैग एट रेंडम आफ्टर मिक्सिंग द कार्ड थ्रोली, आफ्टर मिक्सिंग द, लिख देना आगे भाई, आफ्टर मिक्सिंग द कार्ड थ्रोली। क्या कहो भाई, कोई बैग है, बैग के अंदर कार्ड है, उन कार्ड्स के ऊपर 1 से लेकर 49 तक नंबर लिखे हुए हैं, यानी एक के ऊपर तो 1 लिखा हुआ है, एक के ऊपर 2 लिखा हुआ है, एक के ऊपर 3 लिखा हुआ है, कहाँ तक लिखे हुए हैं, 49 तक लिखे हुए हैं। उनमें से एक कार्ड आपने बाहर निकालना है, उनमें से क्या भाई, एक कार्ड आपने बाहर निकाल लिया, देखो यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा, तो सैंपल स्पेस मतलब टोटल, और टोटल आपके क्या है भाई, 49, 1 to 49 है ना, यानी 49 आपके, तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे भाई, 49 बनेंगे। अब उसके बाद पढ़ना, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई किसकी, द नंबर ऑन द ड्रोन कार्ड, द नंबर ऑन द ड्रोन कार्ड इज, ऑन द ड्रोन कार्ड इज, कि जो कार्ड आपने बाहर निकाले है ना, तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ भाई, उसके ऊपर कौन हो, एक ओड नंबर लिखा हो, एन ओड नंबर, कि उसके ऊपर कौन लिखा हो, एक ओड नंबर लिखा हो, तो कंडीशन लगी ना, यहाँ सबकी इवेंट बनेगी, तो इसको ई इवेंट मान लो, बल्कि इसमें कई सारे पार्ट है ना, तो इसको ई वन इवेंट मान लो, तो मान लो इसको ई वन भाई, तो लेट ई वन बी द इवेंट, लेट ई वन बी द इवेंट, अब देख देख के लिख दोगे, डेट दी, डेट दी नंबर ऑन द कार्ड, नंबर ऑन द कार्ड, ऑन द कार्ड, ऑन द ड्रोन कार्ड लिखोगे, बल्कि ऑन द ड्रोन कार्ड, ऑन द ड्रोन कार्ड इज एन, इज एन ओड नंबर भाई, इज एन ओड नंबर, कि जो कार्ड आपने बाहर निकाले है ना, उसके ऊपर कौन ओड नंबर लिखा हो, तो वो इवेंट मैंने इवन मान ली,
अब आपको E1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो आप चेक करोगे कि E1 के फेवर में कितने हैं, तो 1 से लेकर 49 तक ओड नंबर कितने होते हैं भाई? देखो 1 से लेकर 48 तक आधे ईवन होते हैं आधे ओड होते हैं, यानी 24 तो ईवन होंगे और 24 आपके ओड होंगे और 25 मकरी हो गया 49 है, अरे 1 2 48 यानी 48 हो गए टोटल, 24 तो ईवन होंगे 24 आपके ओड होंगे और फिर 49 आपका 25वां हो गया, यानी ईवन के फेवर में 25 होंगे, जिनको मैथ में कैसे लिखोगे कि एन ईवन इक्वल टू कौन होगा 25। तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन क्या बनेगी भाई, ईवन का फेवर में कितने हैं 25 अपॉन में टोटल वो आपके 49। इसके बाद जो आगे वाला पार्ट है अब लिख तुम लियो, खाली समझा दूंगा मैं, क्या कहो भाई कि जो कार्ड आपने बाहर निकाला है ना वो मल्टीपल ऑफ आई हो, उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ ना उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो 5 का मल्टीपल हो, और कई बार बता लिया चाहे मल्टीपल ऑफ 5 को चाहे डिविजिबल बाय 5 को एक के बात है, तब आप चेक करके बताओ 1 से लेकर 49 तक कितने नंबर आपके 5 से डिविजिबल है, 5 नहीं में 45 यानी 9 बनेंगे, 9 आपके क्या होंगे 5 से डिविजिबल, यानी इसके फेवर में आपके 9 बनेंगे, तो इसको फिर कोई इवेंट मानोगे, लिख तुम लियो भाई ऐसे लिखोगे लेट E2 बी द इवेंट, देख देख के लिख दोगे डेट द नंबर ऑन द ड्रोन कार्ड इज ए मल्टीपल ऑफ 5। अब चेक करो इसका फेवर में कितने हैं, यानी एन E2 तो 1 से लेकर 49 तक 5 नहीं में 45 यानी 9 बनेंगे, 9 होंगे तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो E2 का फेवर में आपके 9 और टोटल आपके 49 तो ये बनेगी। इसके बाद देखो भाई जो आपका थर्ड पार्ट है ना उसमें हमने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड आपने बाहर निकाले हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर अगर किसी नंबर का पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाए ना तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, तो इसको फिर कोई इवेंट मान लोगे तो E3 मान लोगे भाई, लेट E3 बी द इवेंट, आगे देख देख के लिख दोगे डेट द नंबर ऑन द ड्रोन कार्ड इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आप चेक करके बताओ 1 से लेकर 49 तक कौन कौन से नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, कौन कौन से हैं भाई, जैसे एक तो 4 हो गया, अगर आपको लिखने भी हो ना वो कौन कौन से हैं तो उनको आप ऐसे लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, एक तो 4 क्यों, क्या था 4 का स्क्वायर रूट 2, जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाए ना वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, एक 9 होगा, एक 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया और एक खुद 49, और इसका फेवर में कहूंगे 3 और 3 6 बनेंगे, यानी NE3 इक्वल टू कौन 6, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तो आपकी बनेगी 6 बटे टोटल है 49। इसके बाद जो आपका फोर्थ पार्ट है ना उसमें आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई कि जो कार्ड आपने बाहर निकाले हैं उसके ऊपर क्या नंबर लिखा हो, इवन प्राइम नंबर, क्या लिखा हो भाई, एन इवन प्राइम नंबर। अब बताओ E1 प्राइम नंबर कौन होता है, 2 जो है ना 2 एक ऐसा नंबर है जो E1 भी है और प्राइम भी है, 2 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जो प्राइम भी हो और E1 भी हो, सिर्फ 2 होता है, और इसका फेवर में देख के बनेगा, इसको फिर कोई इवेंट मान लोगे, लेट E4 मान लियो भाई, तो इसका फेवर में कितने होंगे, यानी NE4 एक बनेगा, सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो E1 भी है और प्राइम भी है, और इसका फेवर में सिर्फ 1 के वो है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो देयरफॉर
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर तो आपकी बनेगी एक बटे टोटल आपके 49। ये कुछ खास नहीं है भाई, बिल्कुल आसान। आपके 49 पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 49। पढ़ना 49 भाई, तो 49 में लिखा हुआ है ए बॉक्स कंटेन, क्वेश्चन नंबर 49, ए बॉक्स कंटेन्स 20 कार्ड, कंटेन्स 20 कार्ड भाई, नंबर फ्रॉम 1 to 20, नंबर फ्रॉम 1 to 20 भाई, कोई बॉक्स उसमें 20 कार्ड हैं जिनके ऊपर 1 से लेकर 20 तक के नंबर लिखे हुए हैं, यानी टोटल आपके 20 कार्ड हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ए कार्ड इज ड्रॉन, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। देखो यहां तक जो है ना, कोई भी कंडीशन नहीं है भाई कि कोई बॉक्स है उसमें 20 कार्ड है, उन 20 कार्ड में से एक कार्ड आपने बाहर निकाल लिया, अब वो कैसा निकालना, कोई कंडीशन नहीं है नहीं, यानी यहां सबका सिंपल स्पेस बनेगा, और सिंपल स्पेस के अंदर कितने सिंपल पॉइंट होंगे, टोटल है 20, यानी 20 सिंपल पॉइंट होंगे। तो देयरफॉर जिनको मैथ में ऐसे लिखोगे कि n = 20 होगा। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी भाई, डेट दी नंबर ऑन दी कार्ड, डेट दी नंबर ऑन दी कार्ड, ऑन दी ड्रोन कार्ड इज, ऑन दी ड्रोन कार्ड इज, कि जो कार्ड आपने बाहर निकाला है ना उसके ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ हो, फर्स्ट पार्ट में है भाई डिविजिबल बाय किसी डिविजिबल हो, 2 or 3 भाई, 2 or 3। तो यहां कंडीशन लगी ना, यहां सबकी इवेंट बनेगी, तो इसको E1 इवेंट मानोगे, तो आपके बारे लिख तुम लियो भाई, लिखोगे लेट E1 बी द इवेंट, डेट द नंबर ऑन द ड्रोन कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 or 3। और अब आप चेक करोगे कि E1 का फेवर में कौन कौन होगा, चेक करो भाई E1 का फेवर में कौन कौन है, देखो बीच में और है ना, तो और का मतलब यो भी लोगे और ये भी लोगे, यानी 1 से लेकर 20 तक जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो भी लोगे, और जो 3 से डिविजिबल है वो भी लोगे, अगर बीच में एंड हो ना तो उसका मतलब है जो दोनों से डिविजिबल है वो लेनी है, और का मतलब ये भी लोगे और ये भी लोगे, और एंड हो तो जो चीज यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हो फिर वो लेनी है। तो अब लो पहले 2 से डिविजिबल देखो कौन कौन है, एक तो 2 ही होगा, 1, 4, 6, 8, 10, 12, उसके बाद 14, 16, 18 और 20, उसके बाद जो 3 से डिविजिबल है वो लोगे, एक तो 3 ही होगा, 1, 6 पर तो पहले आ लिया, उसके बाद 9, फिर 12 वो तो पहले आ लिया, फिर 15, उसके बाद भाई 15 के बाद 18 देखो पहले आ लिया, फिर आगे तो है 3 से डिविजिबल, करो चेक कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 1, 13 बनेंगे, एंड जो E1 है ना उसका फेवर में 13 है, जिनको मैथ में ऐसे लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो वो मेरी बनेगी
13 बटे टोटल वो आपके 20। परंतु सर इसमें गलत लिखा हुआ मैथ में, तो उसको ठीक कर लिया भाई। इसका जो आंसर है ना वो 13/20 आओगा। उसके बाद जो आगे वाला पार्ट है ना उसमें अपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड आपने बाहर निकाले है ना उसके ऊपर प्राइम नंबर लिखा हो, ए प्राइम नंबर। तो इसको फिर कोई इवेंट मान लो, चलो इसको ई टू मान लो, लिख तुम लियो भाई। अब चेक करोगे कि ई टू के फेवर में कौन कौन होगा, तो 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर कौन कौन है, एक तो आपका 1 ना 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, यानी कितने फेवर में भाई, 3, 3, 6, 2, 8 है ना, और इसका फेवर में 8 है। तो जिसको ऐसे लिखोगे एन ई टू मेरा 8, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू तो वो मेरी बनेगी 8/20। तो 4 × 8, 4 × 20 यानी 2/5 बनेगी। तो बिल्कुल आसान है भाई। तो चलो तुमने आज यहाँ तक करना, बाकी फिर कल करेंगे।